जो कुछ विधानसभा में आज हुआ, पहले उस पर एक नजर करते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, जरा उनको टटोलने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिर आपका तारुफ कराएंगे। विधानसभा में बुधवार को अपराधों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के दौरान अलवर से भाजपा विधायक बनवारीलाल सिंघल के सवाल के जवाब ने कई और सवाल खड़े कर दिए। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने आंकड़े गिराते हुए जवाब में कहा कि प्रदेश में साल 2012 की तुलना में साल 2013 के कुल अपराधों में 14.79% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं साल 2014 में साल 2013 की तुलना में 7.23% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि साल 2015 में साल 2014 की तुलना में 5.86% की कमी आई है। वहीं बात हत्याओं के मामलों की करें तो 2015 में 1,569 हत्याएं हुई, वहीं 2014 में 1,637 हत्या के मामले सामने आए। साल 2015 में बलात्कार के 3,644 मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2014 में 3,759 मामले सामने आए। साल 2015 में 29,067 चोरी की वारदातें सामने आई, वहीं साल 2014 में 29,095 वारदातें हुई थी। पाद अपहरण के मामलों की करें तो साल 2015 में 3,644 अपहरण हुए, जबकि साल 2014 में इससे ज्यादा 5,176 अपहरण हुए, यानी हत्या के कुल मामलों में 4.15% की गिरावट, बलात्कार के मामलों में 3.06% की गिरावट, चोरी की वारदातों में 0.10% की गिरावट और अपहरण के मामलों में 4.32% की गिरावट आई है। सदन में जहां कटारिया ने सिलसिलेवार अपराध के आंकड़े गिनाए, तो वहीं इस पर कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि गृह मंत्री जी, थानों में FIR ही नहीं लिखी जा रही तो आंकड़े कम ही होंगे। थानेदारों को FIR लिखने के आदेश तो दीजिए। इसके बाद सदन में काफी देर तक कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच हंगामा हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में थानों में FIR दर्ज नहीं की जाती है? क्या फरियादी को दर दर भटकना पड़ता है? और क्या यही कारण है कि गृह मंत्री प्रदेश में अब जल्द ही ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं? वहीं खबरों में भी आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकता है और पुलिस मामला तक दर्ज नहीं करती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2014 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो अपराधों के मामले को लेकर देश में राजस्थान का चौथा नंबर है, जहां मध्य प्रदेश में 2,72,423 मामले, महाराष्ट्र में 2,49,834 मामले, उत्तर प्रदेश में 2,40,475 मामले दर्ज हुए थे तो राजस्थान में 2,10,418 मामलों पर ही FIR दर्ज की गई, जबकि कुल मामले 3,07,775 थे। बाकी बचे 39,217 मामले फर्जी पाए गए और कोई FIR दर्ज नहीं हुई। पर ऐसे में सवाल ये भी कि करीब 40,000 मामलों को किस आधार पर फर्जी माना गया? क्या महज रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए उन्हें जबरन फर्जी करार दिया गया? वहीं ऐसे में कई सवाल और भी उठते हैं। क्या प्रदेश में अपराधों की संख्या कम हुई है या फिर अपराधों को लेकर गृह मंत्री के दावे गलत हैं? क्या क्राइम ग्राफ को लेकर सिर्फ राजनीति होती है? क्या अपराध नियंत्रण में पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है? और क्या थानों में फरियादी से पुलिस का बर्ताव गलत है? जाहिर है हर पहलू आपके सामने है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रदेश में अपराधों की संख्या कम हुई है? जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय दिखाई जाएगी। firstindianews.com हमारा वेब पेज है, इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मिला देते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ हैं, साथ ही अपराधों पर काम करने वाली सामाजिक संगठन सत्या के सदस्य संजय अग्रवाल जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ज्ञानदेव आहूजा साहब, सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूँ, क्या वजह है कि गृह मंत्री ताल ठोक कर विधानसभा में बोलते हैं कि अपराधों की संख्या कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? ये सवाल आखिर क्यों खड़ा हुआ? विधानसभा में आज का हंगामा क्यों हुआ?
विपक्ष काम तो सिर्फ विरोध ही कर रहा है, अच्छी बात को अप्रिशिएट करना उनको आता ही नहीं। और जब से उनकी संख्या कम हुई है, जनता ने उनको दरकिनार कर दिया, बिल्कुल हाशिए पे ला दिया है, तब से कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, कुंठा में हैं और सही बात को सही कहने के लिए तैयार नहीं। जैसे हम ये मानते हैं कि देश का बंटवारा कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने करवाया, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का भी बंटवारा करवाया, बांग्लादेश बनवाया, जो अच्छी बात है उसको मानते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इनके दिमाग में तो सत्ता का जो सपना, सत्ता का जो सुख, सत्ता का जो आराम, वो दिमाग में से निकलता ही नहीं, इसलिए हर अच्छी बात को भी विरोध करते हैं। हमारे सम्माननीय गुलाब जी कटारिया जैसे ईमानदार गृहमंत्री और DGP को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनके पिताश्री से भी मेरे संबंध रहे, श्री मनोज भट्ट, ये दो लोग ऐसे हैं कि जो ईमानदारी से कानून व्यवस्था को कंट्रोल किए हुए हैं। और मैं जिस जिले से हूँ अलवर का जी, अलवर के विधायक श्री बनवालाल सिंगल का क्वेश्चन था, और अलवर में तो मैं मान के चलता हूँ हमारे पूर्व SP श्री विकास कुमार जी और अब SP श्री कैलाश बिश्नोई, इन्होंने इतना जबरदस्त, आप कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, एक आम आदमी राजस्थान में आकर सुकून की नींद सो सकता है? ऐसा नहीं है, मेरा ये कहना नहीं है। गुलाबी कटारिया ने भी सदन में कहा कि मैं अपराधों को सर्वमूल मैंने खत्म कर दिया, ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन अपराधों में प्रतिशत में कमी आई है, ये मेरा कहना है। माननीय गुलाबी कटारिया ने कहा, मेरा भी ये कहना है जी। अपराधों सत्या ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है इस सिलसिले में, राजस्थान की पुलिस को लेकर आपका क्या अनुभव है? संजय जी, आप तो करीब से आप देखते हैं, जो डाटा अभी जो चर्चा का विषय विधानसभा में चल रहा है, उसका एक कंपेरेटिव 2009 से 2014 का स्टेटमेंट हमारे हाथ में भी है। हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं, राजेंद्र जी के साथ में विधायकपुरी थाने से स्टार्ट किया था हम लोगों ने काम, और जिसमें हम लोगों ने एक रिसर्च करी थी, वैक्यूम बिटवीन पब्लिक पुलिस एंड पब्लिक, गिल साहब ने रिसर्च करवाई थी, देवराजन साहब और गिल साहब ने, उसमें एक न्यूजीलैंड और देशों में जो कॉन्सेप्ट था उस समय कम्युनिटी पॉलिसिंग, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें एक रिकमेंडेशंस थी। और जब से कमिश्नरेट बना तो कम्युनिटी पॉलिसिंग का एक पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ठीक है। और कम्युनिटी पॉलिसिंग के बाद उसका क्या इफेक्ट लगता है आज, क्या सूरत हाल क्या है पुलिस और कानून के? पूरी तौर से प्रभावी तौर पे तो नहीं लागू हो पाया, लेकिन उसका कुछ कुछ असर दिखने लगा है। वो ऐसे दिखने लगा है कि जब आप कम्युनिटी पॉलिसिंग, जैसे बीट प्रभारी की जो पर्टिकुलर उस जगह का आदमी है, जो पुलिस मैन है उस, और उसका एक एक परिवार हो गया, पुलिस के रुख पर मैं सवाल करूंगा, मैं आऊंगा, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि पुलिस की व्यवस्था इतनी माकूल है कि क्राइम ग्राफ कंट्रोल हुआ है? देखिए दोनों पक्ष हैं, एक पक्षी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने बताया विपक्ष ने एक तरफ की बात कही है, हम उसका वो भी बात से मैं सहमत हूँ, कई बार होता है कि FIR हाँ और ना, दो ही तो बात होगी इसमें, बिल्कुल नहीं, दोनों पक्ष है, क्योंकि जब आप जब इम्प्लीमेंटेशन पे आती है कम्युनिटी पॉलिसिंग तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि कुछ अपराध होते हैं बड़े जघन्य अपराध, कुछ अपराध होते हैं छोटे विवाद, आपसी वाद विवाद, और ये इस तरह के अपराधों में क्या है कि वो जैसे केस रिकॉन्सिलेशन का मॉडल, तो वो जब अप्लाई होता है तो उसमें क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सॉल्व किए जाते हैं। रमेश मीणा साहब, आपके पास आ रहा हूं, नहीं होती है, दोनों पहलुओं को आपने सुना, अब मैं जानना चाहता हूं कि गिरिराज मलिंगा साहब आज कटारिया साहब से इतने नाराज क्यों थे? सीधा सीधा आप देख रही है, जनता को भी पता है, आप जनता भी रोजाना अखबार पढ़ती है, थानों से उसका रोजाना आमना सामना होता है, तो जिस प्रकार कोई फरियादी रिपोर्ट लेके जाता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो इसका उदाहरण मैं सबसे पहले अभी बता दूं आपको, जो ज्ञान जी ने बोला वो एक अलग बात है, अपने हिसाब से उनको सत्ता पक्ष में बोलना है, क्योंकि उनको पक्ष है कि भाई विरोध में नहीं बोल सकते, लेकिन हकीकत यह है कि जब साल का एंड आता है, दिसंबर का महीना, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि दिसंबर के महीने में 7 थानों में जयपुर कमिश्नरेट की जिसकी बात कर रहे हो, केवल एक महीने में 7 मुकदमे दर्ज होना, और उन थानों का एवरेज 1000 के करीब था, 1196 मुकदमे वैशाली नगर थाने में दर्ज हुए अक्टूबर नवंबर, 1000 का एवरेज है इन थानों का, और उन थानों में एक एक मुकदमा दर्ज होना, तो इससे सीधा सा क्या संकेत है, क्या तात्पर्य है, क्या सेंस है कि ऊपर से कहा जा रहा है कि FIR दर्ज मत करो, महीने का साल का एंड चल रहा है, आप कहना चाह रहे हैं सरकार के निर्देश पर काम कर रही है पुलिस, सरकार की छवि बचाने के लिए मुकदमा दर्ज? रमेश मीणा साहब, सरकार की छवि बचा रही है पुलिस?
सरकार के लिए टूल बन के काम कर रही है। क्लियर है कि सीधा सीधा सब पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि आनंद पाल जैसा अपराधी खुलेआम घूम रहा है। आज 6 महीने हो गए, 180 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी लगाए हुए हैं, आज तक उनका ये पता नहीं लगा। और जब वो जेल में था, जब उसने फेसबुक एक्टिव पे था, तो उसने कहा मैं 1 महीने बाद भाग जाऊंगा। उसके बाद में क्या हुआ कि पुलिस आज तक नहीं ढूंढ पाई। अगर कोई छोटा मोटा कोई अपराधी होता तो उसके खानदान को पुलिस अंदर कर देती और उसकी लड़की दुबई चली जाती है। तो राजस्थान पुलिस एक अच्छा काम कर रही है, क्या आप बताएं? नंद किशोर जी, क्या आप सहमत हैं रमेश मीणा साहब की बात से, या फिर आपको लगता है कि ज्ञानदेव जी काफी हद तक सही बोल रहे हैं? देखिए, आज विधानसभा में जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने भी सुना है, प्रदेश की जनता ने भी सुना है। तो बड़ा लंबा चौड़ा गृह मंत्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया, लेकिन आंकड़ों का खेल ज़्यादा चला। अपराध बढ़े नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये बात भी सही है कि आंकड़ों का खेल चलता है। दिसंबर जी तो कह रहे हैं जो हुआ उसको हमने कम पर ला दिया, 5% से भी नीचे ला दिया। उसके लिए अगर उन्होंने पिछले आंकड़े देखें तो 2013 में दिसंबर में 13,000 FIR दर्ज हुई थी, और जो जनवरी 14 आई तो 18,247 दर्ज हुई, यानी कि 5,000 केस एक महीने में बढ़ गए 2013 से 14। दिसंबर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका ये रहता है डाटा का खेल, तो उसमें दिसंबर में दबाव रहता है पुलिस अधिकारियों पे कि FIR दर्ज कम की जाए जिससे हमारे आंकड़े ठीक रहें। यही लास्ट ईयर हुआ, दिसंबर 14 में 12,000 केस दर्ज हुए, 12,709, और जनवरी 15 में जो ही आए तो 13,431 हो गए। अब जो दिसंबर 15 गया है, अब जनवरी 16 के जो डाटा आएंगे तब पता लगेगा कि भाई असलियत क्या है। आप भी कह रहे हैं कि सरकार का टूल बन रही है पुलिस। तो बनिए निश्चित रूप से दिसंबर में FIR कम होते हैं, जनवरी ज्यादा होती है। सर्विस के दौरान इस तरह का तजुर्बा किया कि कहीं सरकार से गाइडलाइंस मिली हो कि काम किस तरह से करना है थाने में? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई सरकार के दृष्टिकोण से कोई पुलिस काम करती है कि हमको इस बार मुकदमे दर्ज नहीं करके क्राइम रेट को कम करना है। इस तरह का मैंने कभी मेरे जीवन काल में नहीं देखा। हर तरह की सरकारें हमारे कार्यकाल के दौरान रही है, कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है, परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये डायरेक्शन मिला हो कि भाई आपको मुकदमे दर्ज नहीं करने। जो हमारे अपराध का मापदंड है, मानदंड है, अपराध किसी स्टेट में कितने हुए हैं और अपराध कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, इनके आंकड़ों का जो विश्लेषण होता है उसी के आधार पे कानून और व्यवस्था का विश्लेषण। ये विश्लेषण किस बिना पर होता है, सवाल इसी बात का है। अगर कटारिया साहब कुछ पेश कर रहे हैं विधानसभा में तो वो सही है, पुष्टि है कि गलत है? ये आप बात बताइए कि 2012 में ज्यादा थे तो ज्यादा थे, 13 में ज्यादा थे तो ज्यादा थे। ये आंकड़े कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में इनको सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पुलिस अधिकारी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस अपना काम करती है अपने हिसाब से, लेकिन आपको जब पता होगा कि किसी दिन कहा जाता है SHO को कि आज एक्साइज केस बनाओ, आज जुए वालों को पकड़ो, आज सट्टे वालों को पकड़ो, केस देना है, ये बोलो होता है कि नहीं होता आपके थानों में? नीचे बताइए, ये प्रिवेंटिव एक्शन बता रहा हूँ, आप कह रहे हो कि अपने काम से तो केस बनते हैं, पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं? आप इस बात को यूं समझिए कि ये तो है प्रिवेंटिव एक्शन। एक तो हो गया जो क्राइम अपराधियों ने, नहीं जो पुलिस का काम है, पुलिस को तो एक अपराध हो रहा है जो अपराध पे नजर रखना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना, पर्टिकुलर प्रोग्रेस देने के लिए क्यों? चलिए चलिए, क्या कांग्रेस की नाराजगी को इस लहजे से समझा जा सकता है कि कहीं कांग्रेस राज पर सवाल खड़े होना शुरू ना हो जाए? क्या ये बात भी हो सकती है, या फिर सच में कटारिया साहब जो कह रहे हैं उन आंकड़ों में कहीं दाल में काला भी हो सकता है? कोशिश होगी लगातार इसी मर्ज को टटोलने की, छोटे से ब्रेक के बाद।